नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर के एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है और कुछ राज्यों और राजधानियों में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर बेंगलुरु है। बेंगलुरु के लेक व्यू अपार्टमेंट में 103 लोगों में कोरोना मिला है, जिसमें कि 96 लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। अभी इस पे चर्चा हो ही रही थी कि कॉलेज से खबर आई, मंजूश्री जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे 210 में से 40 छात्रों में कोरोना के लक्षण मिल गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों ये फिर से विस्फोट होने लगा है और कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक का कहना ये है कि ये विस्फोट केरल से हो रहा है, क्योंकि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से आया। केरल में भी फिर से कोरोना विस्फोट की खबरें आ रही थी। अभी ये चर्चा हो ही रही थी कि जो महाराष्ट्र है और मुंबई है वो भी फिर से जो है एक बार सुर्खियों में है, क्योंकि मुंबई में पिछले 24 घंटों में 550 से ज़्यादा केस है और पूरे महाराष्ट्र में 3500 के आसपास के केस है। मुंबई की जो मेयर है किशोरी पेडणेकर, उन्होंने कहा है कि यदि लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो फिर से लॉकडाउन पर सोचा जा सकता है। तो क्या इन तीनों राज्यों में और जो खास तौर से शहर प्रभावित है वहाँ पर लॉकडाउन लग सकता है? आपको बता दें कि बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि कोरोना को संभालने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए अभी और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सरकार का मानना है कि जैसे ही लॉकडाउन की शर्तों में ढील मिली, वैसे ही लोगों ने मास्क पहनना और 2 गज की दूरी मेंटेन करना कम कर दिया। जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और इसके जो हाल में निशाना बने हैं, हाल में उसकी जद में जो आए हैं वो है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। दिल्ली में फिलहाल स्थिति संभली हुई है, लेकिन कब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले दिनों आपको याद होगा कि दिल्ली 3 बार कोरोना विस्फोट का शिकार हुई थी और एक बार तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि क्या दिल्ली कोरोना से संभल पाएगी। आपने देखा होगा तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर के और गृह मंत्री अमित शाह तक सड़क और अस्पतालों में पहुंचने लगे थे कि कैसे व्यवस्था संभाली जाए, कैसे स्थिति को संभाली जाए। और अब एक बार फिर उसी दिशा में जा रहे हैं कुछ शहर और ऐसी खबरें मिल रही है जो माथे पे पसीना बढ़ा रही है कि आखिरकार अब यदि फिर से इस तरीके की घटनाएं होती है, लॉकडाउन लगता है, तो इससे आम आदमी के जनजीवन, दिनचर्या और अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बीच अच्छी बात यह हुई है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, जो 3 करोड़ को फर्स्ट फेज में लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उनको ये कोरोना का दूसरा डोज भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद जो 27 करोड़ लोग जो 50 साल से ऊपर वाले हैं उनको लगाया जाना है। आपको ये भी बता दें कि जब तक कोरोना के दोनों डोज नहीं लग जाते 28 दिन के गैप पे और 3 महीने का लगभग पीरियड नहीं बीतता है, तब तक इम्यूनिटी जो है उस तरीके की स्ट्रांग नहीं होती है। तो जिनको ये वैक्सीन लग भी जा रही है उन्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, और जिनकी अभी नहीं लगी है, बारी ही नहीं है, उन्हें तो सावधान रहने की ज़रूरत है ही। तो ये खबर कम से कम जो है हमें आगाह कर रही है, चेता रही है कि हम चेत जाएं कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।